ये जो के पाठक मिस्टर मोगैम्बो, ये जो बैंक के नाम पर जो शिक्षकों के साथ, बच्चों के साथ, समाज के साथ जो कृत्य किया है, मनरेगा का मजदूर, रिक्शा पुलर भी अपने बच्चे के लिए ऐसा बैग नहीं खरीदता है। अगर हमने कहा कि यह बैग घोटाले का प्रतीक है, हमने यह कहा कि यह 50 रुपए का बैग है और इसका भाव कर अगर आप 1000 का बना रहे हैं, 500 का बना रहे हैं या 1200 का बना रहे हैं, तो यह घोटाला है या नहीं? और घोटालेबाज को घोटालेबाज कहता रहूंगा कि अगर तुम्हें हिम्मत है तो हमें जेल में डालो, पूरे बिहार के लोग सड़क पर उतर जाएंगे और ये जो घोटाला हो रहा है इसका भंडाफोड़ होगा। आज कार्रवाई हो रही है, आप देख रहे हैं हमारे गले में जो है यह हमारी बर्खास्तगी का मेडल है। यह गफलत में नहीं रहे, बर्खास्तगी का पत्र हमारे लिए परमवीर चक्र के समान है। और इस सरकार को औकात बता देंगे, नीतीश कुमार की नींद उड़ा देंगे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को, मेरा नाम अभिषेक है। शिक्षा विभाग में क्या घोटाला हुआ है? शिक्षक नेता बंसीधर ब्रिजवासी पोल खोल रहे हैं, गले में बर्खास्त वाला लेटर लगाया हुआ है और बैग दिखाकर पोल खोल रहे हैं कि हुजूर घोटाला हुआ है शिक्षा विभाग में, मोगैम्बो के राज में घोटाला हुआ है। मोगैम्बो किसको कहते हैं वो आप समझ सकते हैं, किस तरीके से पोल खोल रहे हैं, मोगैम्बो शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं और कह रहे हैं साफ साफ शिक्षा विभाग में बैग से लेकर थाली से लेकर बेंच डेस्क से लेकर सभी चीज़ों में घोटाला हुआ है और आवाज़ उठाने को लेकर मुझे बर्खास्त कर दिया गया है। ऐसे में पूरे बिहार में सड़कों पर आंदोलन होगा। आज उनके घर पर बड़ी संख्या में कई शिक्षक नेता पहुंचे थे और साफ साफ आंदोलन का ऐलान कर दिया है, गले में टांग कर पूरे बिहार में वो आंदोलन करेंगे। क्या कुछ कह रहे हैं पहले आप पूरा वीडियो देखिए। पूरे बिहार में शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों ने जो घोटाला करने के लिए एक सुनियोजित साजिश के तहत एक प्लान्ड वे में शिक्षकों को प्रताड़ित करना शुरू किया और इस प्रताड़ना के खिलाफ जब हम लोगों ने आवाज उठाई तो बर्खास्तगी का दौर शुरू कर दिया गया। आज कार्रवाई हो रही है, आप देख रहे हैं हमारे गले में जो है यह हमारी बर्खास्तगी का मेडल है। अगर मैं सेना में होता तो परमवीर चक्र प्राप्त कर सकता था, शिक्षक हूँ तो शिक्षक रहते हुए ये मेडल नहीं मिल सकता है। लेकिन हमें गर्व है, अगर यह सरकार यह समझती है, शिक्षा विभाग के घोटालेबाज पदाधिकारी अपने आप को यदि यह समझते हैं कि बर्खास्त करके हम इसकी आवाज़ दबा देंगे, तो यह गफलत में नहीं रहे, बर्खास्तगी का पत्र हमारे लिए परमवीर चक्र के समान है और यह मेडल लेकर हम पूरे बिहार में घूमेंगे और बिहार के आम आवाम को बताएंगे कि यह सरकार में बैठे हुए लोग लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है। हमने कौन सा ऐसा गलत शब्द बोला था, हमने कौन सी ऐसी बात असंवैधानिक बात कह दी जिसके कारण हमारी बर्खास्तगी हुई? हम बिहार के आम आवाम को बताएंगे कि सच बोलने के कारण हमें बर्खास्त किया गया है और इस सरकार को औकात बता देंगे, नीतीश कुमार की नींद उड़ा देंगे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। आपके शिक्षा मंत्री सदन के अंदर बोलते हैं, जब आप ही के सत्ताधारी दल के लोग जब आवाज उठाते हैं कि यह जो बैग है, यह गांव गरीब के बच्चों को बैग देने के नाम पर, यह जो के पाठक मिस्टर मोगैम्बो, यह जो बैग के नाम पर जो शिक्षकों के साथ, बच्चों के साथ, समाज के साथ जो कृत्य किया है, ये इनके ईमानदारी का स्मारक है। यह 50 रुपए का भी बैग नहीं है, यह बैग ऐसा कोई भी बैग, एक गरीब मनरेगा का मजदूर, रिक्शा पुलर भी अपने बच्चे के लिए ऐसा बैग नहीं खरीदता है। अगर हमने कहा कि यह बैग घोटाले का प्रतीक है, हमने यह कहा कि यह 50 रुपए का बैग है और इसका भाव कर अगर आप 1000 का बना रहे हैं, 500 का बना रहे हैं या 1200 का बना रहे हैं, तो यह घोटाला है या नहीं? और घोटालेबाज को घोटालेबाज कहता रहूंगा। और मैं मिस्टर मोगैम्बो को चुनौती देता हूं और शिक्षा मंत्री और बिहार सरकार के आला अधिकारियों को चुनौती देता हूं कि अगर तुम्हें हिम्मत है तो हमें जेल में डालो, पूरे बिहार के लोग सड़क पर उतर जाएंगे और ये जो घोटाला हो रहा है इसका भंडाफोड़ होगा। ये घोटालों को छिपाने के लिए और आपने हम पर कार्रवाई की है, हम इस कार्रवाई से डरने वाले नहीं हैं। और बिहार के अपने तमाम शिक्षकों को हम संदेश देना चाहते हैं कि आप बिल्कुल चिंता मत करिए, हम वो नहीं हैं कि पीछे हट जाएंगे। हमारी जो लड़ाई है सच के लिए, हमें गर्व है कि हमने शिक्षकों के मान सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा के लिए हमने अपनी नौकरी कुर्बान कर दी है, जान भी कुर्बान करना होगा तो कर देंगे। और मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूँ, ये शिक्षा विभाग के अधिकारी और मुजफ्फरपुर का DO अजय कुमार सिंह और मुजफ्फरपुर का कलेक्टर, ये सब मिलकर
यह घोटालेबाजों से मिलकर मेरे हत्या की साजिश रचा और ये सभी ने मिलकर हमारा मुख्यालय सकरा बनवाया जो नियम विरुद्ध था। और सकरा मुख्यालय बनवा करके ये लोग चाहते थे कि वहाँ पर आते जाते इसकी हत्या करा दें और मेरी जान लेना चाहते थे। और मेरी जब जान नहीं ले सके तो मेरी नौकरी ले लिए, हमें इसकी परवाह नहीं है। बिहार के 6 लाख शिक्षक हमारे परिवार की हिफाजत के लिए तैयार हैं, लेकिन घोटाले वालों को जेल भेजवाना होगा। मैं मांग करता हूँ राज्य सरकार से कि 1 सप्ताह के अंदर ये कार्रवाई वापस हो और जो घोटाले हुए हैं इसकी निष्पक्ष जाँच हो, CBI से इसकी जाँच होनी चाहिए। क्योंकि आपका कलेक्टर घुसखोर है, आपका पदाधिकारी चोर है और ये सब मिलकर बंदर बांट कर रहा है। नहीं तो मैं कह रहा हूँ कि भाउचर की जांच कराओ। यहाँ के पंचायती राज के जो मंत्री हैं आदरणीय केदार गुप्ता जी, उन्होंने कहा कि भाउचर की जांच कराओ। भाउचर की जांच क्यों नहीं हो रही है? जब एक शिक्षिका आरोप लगाती है कि निजी जमीन में समरसेबुल गार दिया गया, मैं भाउचर पर दस्तखत नहीं की हूँ, उसका भुगतान कैसे हुआ, इसकी जाँच क्यों नहीं हो रही है? पूरा घोटाला हुआ है और इस घोटाले को हम लोग उजागर करके रहेंगे और ये पदाधिकारियों को जेल भेजना पड़ेगा। शिक्षा मंत्री जी, आपने कहा कि सारे पदाधिकारी भ्रष्ट नहीं हैं, सभी जगह गड़बड़ी नहीं हुई है, कुछ जगह गड़बड़ी हुई है, सेलेक्टर तो बता दीजिए। मैं शिक्षा मंत्री आदरणीय सुनील बाबू को मैं चुनौती देता हूं कि आप कोई एक जिला बता दीजिए जहां का पूरा सिस्टम ईमानदार हो। मेरे साथ चलिए, अगर हमने आपको उन लोगों के चोरी का करतूत अगर भंडाफोड़ करके नहीं रख दिया और वहां पर करोड़ों का घोटाला नहीं साबित कर दिया तो मैं जेल जाने के लिए तैयार हूं। मुझे फांसी पर टांग दीजिएगा या मैं चुनौती देता हूं। पूरे राज्य में घोटाले हुए हैं, आज पूरे प्रदेश से हमारे जिले से सारे साथी आए हैं और जो लोग नहीं भी आ सके हैं और उनकी संवेदना है, मैं सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं, नमन करता हूं। और हमारे साथी यहां पर बड़े भाई हमारे शिक्षक नेता आदरणीय केशव जी यहां पर हैं, हमारे शिक्षक नेता बड़े भाई क्रांतिकारी साथी प्रमोद यादव जी यहां पर हैं। ये सभी लोग आकर हमारा उत्साहवर्धन किए हैं और इन सभी लोगों ने साथ सहयोग देने का वादा किया है। शेष बात मैं चाहूंगा कि हमारे श्रेष्ठ नेता हैं, इन लोगों से ही बात लीजिए, बिहार के तमाम क्रांतिकारी साथियों को। और आप मीडिया के लोगों को भी मैं धन्यवाद देता हूं कि जो मोगैम्बो ईमानदार बनकर आया था उसके चोरी की चर्चा अब घर घर में हो रही है, सदन में हो रही है। सर माननी चाहिए घोटालेबाज पदाधिकारियों को जेल भिजवाने के लिए। सड़क पर हम लोग उतरेंगे, शेष हमारे नेता लोग बताएंगे। आदरणीय हमारे बच्चों के साथ जो हुआ अन्याय हुआ, बैग घोटाला, बेंच घोटाला, इसको कैसे आप लोग सही करवाएंगे ये बताइए। घोटाला जो हो गया वह सही क्या होना है? यह सत्ता संरक्षित घोटाला था, इसका कमीशन नीतीश कुमार को भी मिला है। अगर नीतीश कुमार को कमीशन नहीं मिला है तो जांच क्यों नहीं हो रही है? और यह जो घोटाला हुआ है ये बच्चा के नाम पर, प्रीफैब स्ट्रक्चर के नाम पर, ये टीना के कमरा में बच्चे की पढ़ाई होती है। गरीब के बच्चा को ये 46 डिग्री टेम्परेचर पर टीन के क्लासरूम में पढ़ाना चाहते हैं। ये गरीबों के बच्चों के साथ भद्दा मजाक है। के पाठक के अगर उसके पास औलाद है तो वह 2 घंटा अपने बच्चे को टीना के कमरा में रख कर बता दे, वह 3 घंटा खुद बैठ करके बता दे। ये टीना के कमरा में वहाँ पर जानवर भी नहीं रखे, अब मर जाएगा वो। और आप इंसान के बच्चे को पढ़ाने चले हैं, या पढ़ाई नहीं है, वह पूरा का पूरा लूट है। या 1 लाख का भी योजना नहीं था, उसको 5 लाख का भाउचर बनाया गया। गोविंद खड़े काके लागो पाँव बलिहारी गुरु, आपने गोविंद जी बताया, शिक्षक के साथ शिक्षा विभाग के साथ ऐसा हो रहा है तो आने वाली पीढ़ी बच्चों के साथ क्या होगा ये बताइए। यह गुलाम बनाने की साजिश है, या शिक्षकों को जिस प्रकार से अपमानित किया जा रहा है और पढ़े लिखे कौम को जिस प्रकार से जूतों तले रौंदने की कोशिश की जा रही है, आने वाली जो पीढ़ी होगी वो कायर और डरपोक होगी। जो बच्चा हमारे यहाँ पढ़ रहा है वही जब देखेगा कि हमारा शिक्षक तो हमारा जो पढ़ाने वाला है, शिक्षक को तो बच्चे अपना आइडियल मानते हैं, जब वह देखेगा कि हमारे शिक्षक के साथ अत्याचार हो रहा है, कोई भी आ रहा है, जो भी आ रहा है वो पदाधिकारी ही बनकर आ रहा है, क्या कोई भी बच्चा जो मेधावी होगा वो शिक्षक बनना चाहेगा? क्या ऐसे वातावरण में कोई बनना चाहेगा? आप जान लीजिए, या बच्चों के भविष्य के साथ, देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, या शिक्षकों को नहीं सताया जा रहा है बल्कि आने वाली पीढ़ी को डरपोक और कायर बनाया जा रहा है। इससे सतर्क रहना होगा और पढ़े लिखे कौम को आगे आना पड़ेगा। तो आपने देखा है किस तरीके से शिक्षक नेता बंसीधर बिजवासी, जिनको बर्खास्त कर दिया गया है, उसके बाद उन्होंने आंदोलन की चेतावनी देते हुए सीधे कह दिया है कि हम आंदोलन करेंगे और सड़कों पर उतरकर गले में बर्खास्त वाला इनाम, पुरस्कार कह रहे हैं इसको, शिक्षा विभाग की ओर से उन्हें पुरस्कार मिला है। इस पुरस्कार को लेकर पूरे बिहार में आंदोलन करेंगे, सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन होगा। और जिस तरीके से घोटाला हुआ है, जब तक कार्रवाई नहीं होती है, मोगैम्बो कह रहे हैं, मोगैम्बो के राज में कार्रवाई होनी चाहिए, मोगैम्बो पर कार्रवाई होनी चाहिए। IAS के पाठक पर सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं। अब आरोप में कितनी सच्चाई है, आपने देखा ही होगा किस तरीके से बिहार विधान परिषद में काफ़ी हंगामा हुआ था। JDU के MLC भी
बोतल और बैग लेकर पोल खोल रहे थे। देखिए महोदय किस तरीके से 170 रुपया वाला बैग बिहार के शिक्षा विभाग में 1200 रुपया में खरीदा गया है। तो कई आरोप शिक्षा विभाग में लगाए जा रहे हैं। अब शिक्षा मंत्री ने जांच की बात भी कही थी, कई जिलों में कार्रवाई की बात भी कही थी, लेकिन शिक्षक नेता बंसीधर ब्रिजवासी पर एक्शन होने के बाद उन्होंने चेतावनी देते हुए सीधे सीधे आंदोलन का ऐलान कर दिया है। तो बने रहिए लाइव सिटीज के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए।